इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफेस सिंह राठी की सरेआम गोलियां मारकर हत्या की वारदात ने हरियाणा की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। इस हत्याकांड ने नरेश कौशिक का नाम सामने आया है, जिसकी वजह से सूबे की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। बता दें कि इस हत्याकांड में कुल 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं इस केस की जाँच CBI को सौंपने का ऐलान किया गया है। नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। इनेलो के पूर्व विधायक नफेस सिंह की हत्या के बाद से जहां एक तरफ हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस हत्याकांड ने सूबे की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल इस हत्याकांड में नरेश कौशिक का नाम सामने आने से विपक्ष को राज्य की BJP सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। नरेश कौशिक के अलावा बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन सरोज राठी के पति रमेश राठी, उनके रिश्तेदार करमवीर राठी, कमल राठी और पूर्व मंत्री मांगे राम के बेटे सतीश नंबरदार और पोते राहुल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इनके अलावा 5 अज्ञात हमलावरों पर भी केस दर्ज किया गया है। कौन है नरेश कौशिक? नफेस सिंह हत्याकांड में जिस नेता का नाम सामने आने पर सियासी भूचाल मचा हुआ है, वो बहादुरगढ़ से BJP के पूर्व विधायक नरेश कौशिक का है। इस मर्डर केस में सबसे ज्यादा चर्चा नरेश कौशिक के नाम की ही हो रही है। नरेश कौशिक 2014 में बहादुरगढ़ से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वह फिलहाल रोहतक लोकसभा क्षेत्र में BJP के संयोजक के तौर पर काम देख रहे थे। नरेश कौशिक समेत जिन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है, उन पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। वहीं नफेस सिंह के परिवार के लोगों और समर्थकों का कहना है कि जब तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वे शवों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दरअसल नफेस सिंह राठी के भतीजे और घटना के वक्त गाड़ी चला रहे राकेश ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि हमलावरों ने उनसे कहा था कि वो यहाँ नरेश कौशिक, सतीश और करमवीर राठी से रंजिश पालने का सबक सिखा रहे हैं। बहरहाल इस हत्याकांड की जांच अब CBI को सौंप दी गई है। जांच के बाद ही इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों के बारे में खुलासा हो पाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।